हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। उत्तर प्रदेश के संभल में सुबह से ही आंधी तूफान के साथ मौसम खराब हुआ है और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक किसान की मौत हो गई है। वहीं साथ में काम करने वाले 3 किसान झुलस गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के अजरा की है, जहाँ आकाशीय बिजली गिर गयी। यहाँ आलू के खेत में काम कर रहे रणवीर नामक किसान पर आकाशीय बिजली गिर गयी और मौके पर ही उसकी मौत हो गयी तथा साथ में काम कर रहे 3 अन्य किसान घायल हो गए। सूचना मिलने पर SDM राशिद अली खान और CEO गमलेश्वर बिल्टोरिया मौके पर पहुंच गए और लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। SDM के अनुसार मृतक और घायलों के परिजनों को यथासंभव मदद और मुआवजा दिलवाया जाएगा। रामकेश, क्या हुआ? एक दिन काम कर रहे थे, अचानक ऊपर से बिजली गिरी, हम झुलस गए और हमारा भाई खत्म हो गया। इस आपदा से किसी का घर का चिराग बुझ गया है, जिससे सारे गांव का माहौल गमगीन है। ये लोग खेत में काम कर रहे थे, जब सुबह से मौसम जब खराब था तो आकाशीय बिजली गड़गड़ाने लगी और जब ये आलू के कट्टे भर रहे थे, ये लड़का ट्राली का था और बाकी 3-4 नीचे थे, तो अचानक एकदम बिजली तड़की और इनके ऊपर तो 3 तो झुलस गए हैं। ये लड़का एक एक्सपायर हो गया है, रणवीर नाम का, 28-30 साल की उम्र है, इसके छोटे छोटे बच्चे बेचारा और ये खेती करते हैं। किसान है। किसान की हालत वाकई में बहुत खराब है, जिसे कभी सरकार तो कभी ऊपर वाला तकलीफें दे ही देता है। ये थाना हयात नगर का मामला है, ग्राम मजरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से रणवीर सिंह के मौके पे मौत हो गई है और 3 लोग और थे, वो लोग घायल हुए हैं, लेकिन उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मगर वो बिल्कुल सही पोजिशन में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनको, रणवीर सिंह को देवी आपदा मद से 4 लाख रुपए हम लोग तुरंत मतलब देंगे। बाकी अन्य सहायता, श्री किसान दुर्घटना बीमा योजना या राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, विधवा पेंशन, इसको हम लोग बाद में निवमसान को सहायता दी जाएगी। संभल से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।